संजय जायसवाल से तुलना मुकेश सानी अपने आप को करे तो पागलपन है ना कोई बौरा जाए या किसी को गालिये बगते चले तो बउराज आदमी को क्या करे मुकेश के शादी के आप लोग ज्यादा ब्रांडिंग मत कीजिए आप लोग ऐसे छोटा मोटा आदमी को ब्रांडिंग करने लगते हैं कह रहे हैं कि जो स्थिति बोचाह में किए थे वही में भी करेंगे यही कर दिए थे जे न पूछे से खेसारी के दाल आई माई के झूला न बिलाई माई के घंघरी छाइए नहीं रोड छाप उड़ा रहा है तो कहेंगे नहीं नमस्कार खूब भड़क गए हैं कल भी उन्होंने संजय जायसवाल को लेकर बयान दिया था ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव हम उनसे बात करेंगे इन दिनों मुकेश सहनी संजय जायसवाल पर खूब भड़क रहे हैं कल रोड छाप गुंडा बता दिया माथा बौराल रहता है तो क्या करेगा अब संजय जायसवाल से तुलना मुकेश साहनी अपने आप को करे तो ये पागलपन है ना है संजय जायसवाल लंबे समय से सांसद हैं एक बहुत प्रखर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हैं अब कोई बऊराज आया किसी को गालिये बकते चले तो बऊराज आदमी का क्या करेगा उसका कोई सीमा है ये संजय जयसवाल जस्व, संजय जायसवाल है कह रहे हैं कि संजय जायसवाल का दिमागी हालत ठीक नहीं है सबसे ज्यादा दिमागी हालत इनके ठीक है जो रोड घरे घरे घूमल चल रहे हैं कि ले ला ले ले इन्हीं का सबसे ज्यादा दिमाग अच्छा है मुकेशो के शादी के आप लोग ज्यादा ब्रांडिंग व्रांडिंग मत कीजिए आप लोग ऐसे छोटा मोटा आदमी को ब्रांडिंग करने लगते हैं आपके हिसाब से मुकेश यानी बहुत छोटा मोटा आदमी है तो क्या है पूछ रहा है कोई पूछ रहा है का? अरे मीडिया में बने रहने के लिए अपना कुछ बोलते हैं आप लोग लोग मीडिया के हैं आपको भी मस, मिर्च मसाला चाहिए आप मिर्च मसाला लगा देते हैं तो क्या होगा संजय जायसवाल संजय जायसवाल है कह रहे हैं कि जो स्थिति वो चाह में किए थे वही कुर्णी में भी यही कर दिए थे जे न पूछे से खेसारी के दाल आई माई के झूला न बिलाई माई के घंघरी अपन चुत्तर पर पेवरना दूसर के घर पर समियाना अपने कहा ना जीत के आ गए थे लड़े थे ना चुनाव हार में हर नहीं लग गया भी। भी दावा कर रहे हैं जीतेंगे अब वो दावा तो वो अपने जब हार गए तब दावा क्या करेंगे दावा करे से जीता है कि लड़े से जब जन समर्थन रहे तब जीता है अपने कहा ना जीत गए थे बीजेपी ही एमएलसी बनाया था इतना दिन मंत्रियों रहे का ना मंत्री बना जा कहें गठबंधन में कि एम एल सी बना के मंत्री बना दे भारतीय जनता पार्टी का तो कुबत था जो कमिट किया था कि हार गए तब वो हम लोगों ने बना दिया था इन दिनों बिहार में सरकारी बंगले को लेकर भी सियासत तेज है कई बीजेपी नेताओं ने बिहार सरकार पर आरोप भी लगाया रेणु देवी हों तारकिशोर प्रसाद हों सभी लोगों को दो लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है हाँ भाई तो सरकारी आदमी या सरकारी बंगला में रहकर जुर्माना लगाइएगा तो कहेगा नहीं कहे नहीं कहेगा कहब करेगा अधिकार बनता है कहना ही चाहिए पर आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुकेश सैनी भी कुछ नहीं है किसी पद पे तब भी रह रहे हैं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष रह रहे हैं वो तो ठीक है कह रहे हैं जो है सो कहेगा नहीं हम पार्टी के जो कुछ है ये नहीं है रोड है उड़ा रहा है तो कहेगा नहीं पहले रोड छपवन के ना खाली कराइए खाली करा लीजिए तो हमारे साथ बीजेपी एम एल सी नवल किशोर यादव थे जिन्होंने कह दिया है कि जो रोड छाप नेता हैं पहले उनका तो सरकारी आवास खाली कराएं बहरहाल बने रहें हमारे साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद